समझदार बेटी ऐसी होती हैं। जानते हैं दोस्तों, इस कहानी से पापा का दूसरी औरत के प्रति आकर्षण का कारण कहीं हम लोग तो नहीं? पापा तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखते हैं। समाज में पापा का मान सम्मान है, फिर पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? अनन्या, क्या हुआ? रोमा ने अनन्या का अचानक चिंतित चेहरा देखकर कुछ पूछा। कुछ नहीं रोमा, धीरे से अनन्या ने जवाब दिया। अनन्या व उसकी सहेली रोमा की जन्मदिन की पार्टी में होटल आई थी। वहीं अनन्या ने अपने पापा को एक खूबसूरत महिला के साथ देखा। उन दोनों में आपसी व्यवहार को देखकर उसे महसूस हुआ कि जो महिला उसके पापा के साथ बहुत करीब है, होटल में हल्की रोशनी होने और बहुत सारी सहेलियों की भीड़ होने के कारण उसके पापा ने उसे नहीं देखा। अनन्या को पार्टी चल रही थी, पर हमेशा पार्टी में चहकने वाली अनन्या का मन पार्टी में नहीं लग रहा था। उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मम्मी पर दया आ रही थी। पहले उसे लगा कि शायद उसका भ्रम है, पर इन दिनों पापा के व्यवहार और उनकी दिनचर्या में काफ़ी बदलाव देख रही थी। अब वे घर से देरी से आते और पहले चले जाते। पहले जैसे खिसते झुझलाते भी नहीं थे। कहीं इसका कारण ये महिला तो नहीं? अनन्या को अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन में ठान लिया कि अब वो पापा से बात नहीं करेगी, लेकिन साथ ही उसे इस बात का भी डर लगा रहा था कि मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी की हालत कैसी हो जाएगी। मम्मी पापा में दूरियां बढ़ जाएगी। कहीं पापा ने उस स्त्री के साथ शादी कर ली तो उन्हें छोड़ ही देंगे, वे लोगों के सामने बेचारे बन जाएंगे। सोचते सोचते उसे चक्कर सा आने लगा। पार्टी के ख़त्म होते ही वह सीधे घर गई और कमरे में जाकर सो गई। मम्मी ने दो तीन बार पूछा भी क्या हुआ, पर वह मम्मी को ये सब कैसे बताती। शाम को पापा के आने की आवाज़ आई, रीमा चाय बना दो, मैं थक गया हूँ। आज ऑफिस में बहुत काम था। पापा का सफ़ेद झूठ सुनकर उसे इतना गुस्सा आया कि वह सीधे बैठक में जाकर मम्मी को अपने पापा की असलियत बता दे, पर कहीं कुछ उल्टा हो गया तो मम्मी पापा के बीच जोरदार झगड़ा हो गया और बात कहीं और बिगड़ गई तो पूरी रात वह सो नहीं पाई। दूसरे दिन पापा के ऑफिस जाने के बाद ही वह कमरे से बाहर आई। रोज़ की तरह मम्मी फ़ोन पर मशगूल थी, सामने शायद मेरी मौसी थी। आधे घंटे के बाद फ़ोन रख कर पूछा कि बात क्या है। उसने सिर दर्द का बहाना बना दिया। मन में चल रही विचारों की आंधी से राहत पाने के लिए उसने टीवी ऑन कर दिया। टीवी सीरियल में वही पति पत्नी का झगड़ा आ रहा था। यूं उसे ये सब देखना पसंद नहीं था, पर आज उसने चैनल बंद नहीं किया क्योंकि उसमें मन के गुस्सा भरा था। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए अपने मायकों को पूरी तरह भुला दिया और तुम बाहर गुलछर्रे उड़ा रहे हो, आखिर मुझ में क्या कमी है? पत्नी रोते हुए बोली, तुम सिर्फ अपने बच्चों, फोन, गृहस्थी में सिमट गई हो, अब मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही कहाँ रह गया। पति आगे बिना कोई बहस किए घर से बाहर निकल गया। पीछे पत्नी बड़बड़ाती रह रही। उसकी सोच भी उसकी दिशा बदल गई। ये सब वो टीवी सीरियल में देख रही थी। पापा पर दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षण का कारण कहीं हम लोग तो नहीं? पापा तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखते हैं। समाज में पापा का मान सम्मान है, फिर पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने फिर से सभी बातों को नए सिरे से सोचना शुरू किया। इतनी बड़ी हो जाने और कॉलेज जाने लगी है, इसके बावजूद वो अपनी मम्मी के साथ ही सोती है। इस उम्र में भी खुद को छोटी बच्ची समझती है और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी, चाहे नहाने के कपड़े हों, फिर नूडल्स क्यों न हो या खाना हो, हर बात के लिए वो मम्मी पर निर्भर रहती है।
इसकी देखा देखी छोटा भाई भी मम्मी पर पूरी तरह निर्भर हो गया है, उन्हीं पर डिपेंड रहता है। वह भूल गई कि मम्मी पापा पति पत्नी भी हैं, उन दोनों को भी साथ में समय बिताना चाहिए। उसे याद नहीं है कि कब मम्मी पापा अंतिम बार अकेले फिल्म या होटल गए होंगे। यहाँ तक कि दिनों की शादी की सालगिरह पर भी वे बच्चों के साथ ही होटल जाते हैं। मम्मी तो पूरी तरह से हाउसवाइफ और केवल मम्मी बनकर रह गई। ऊपर से मम्मी को कितने ही फोन ही आते रहते हैं, यहाँ तक कि रविवार और छुट्टी वाले दिन भी फ़ोन के आने का सिलसिला चलता ही रहता है। उसे याद है कि एक दिन पापा ने मजाक में कहा था, जब से ये फ़ोन आने लगे हैं तब से स्त्रियों को मायके जाने की ज़रूरत कम पड़ती गई है। उस दिन पापा की बात पर सब कितना हंसे थे, लेकिन वो शायद पापा के अंतर्मन के अकेलेपन की व्यथा थी। अब उसे ऐसी कई छोटी बड़ी बातें याद आ रही थी जिन्हें वो सामान्य समझती थी। अब उसे पापा पर इस तरह बदल जाने में समझने का तरीका आ गया था। भले ही उसके पापा रास्ते से भटक गए हों, पर अब वो समझदार बेटी की तरह ही पापा को एहसास कराएगी कि घर ही उनकी मंजिल है। अनन्या ने दृढ़ता के साथ सोचा, तब कहीं जाकर उसका मन शांत हुआ। मम्मी, आज ब्यूटी पार्लर चलते हैं, उसने मम्मी के गले में बाहें डालते हुए कहा। पर तेरी सहेली की पार्टी तो कल हो गई, मम्मी ने उसे लाड़ से समझाते हुए कहा। अरे मेरे लिए नहीं, आपके लिए चलते हैं। आप कितने महीनों से ब्यूटी पार्लर नहीं गई, आपकी आईब्रो तो पापा की मूंछों जैसी चौड़ी हो गई है, उसने आईब्रो पर हाथ रखकर नाटकीय ढंग से कहा। तो मम्मी जोर से हंसते हुए बोली, हाँ अरे हाँ, आज नाश्ते में क्या बनाऊंगी, तुम क्या खाओगी, मम्मी रसोई में जाते हुए बोली। मम्मी मैं बड़ी हो गई हूँ, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, आप मुझे बस सिखा दीजिए, गैस चालू करते हुए अनन्या बोली। ये सुनकर उसकी माँ आश्चर्य से उसे देखती ही रह गई कि उसने आज तक खुद रसोई में जाकर पानी तक नहीं पिया और वो आज खाना बनाने की बात कर रही है। तू पढ़ाई कर, खाना मैं बनाती हूँ। नहीं मम्मी, आप ये सब अकेले करते करते कितना थक जाती हो, उसने मम्मी की तरफ प्यार से भरी नज़रों से देखते हुए कहा। छोटे छोटे काम अब वो खुद करने लगी ताकि मम्मी को समय व आराम मिल सके। कितनी बार उसने मम्मी को रात को सोते समय ये कहते हुए सुना है कि आज तो पूरे दिन काम करते करते मेरी कमर ही टूट गई। रात को पापा आए, पापा आज आप मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीजिए, पर हाँ कोई कमी मत निकालना, उसने बड़े ही नाटकीय ढंग से कहा। अरे मेरी बेटी बड़ी हो गई, पापा ने चाय हाथ में लेते हुए कहा। उसे लगा जैसे पापा मुंह से बड़ा शब्द कहते कहते गलानी सा महसूस कर रहे थे। रात को तो सोते समय उसने मम्मी से कहा, मम्मी आज मुझे कॉलेज का प्रोजेक्ट करना है, इसलिए मैं काफ़ी देर तक काम करूंगी उस पर, मैं छोटू के रूम में ही पढ़ूंगी, उसने सारी किताबें भाई के रूम में ले जाते हुए कहा। रात को वो वहीं सोएगी। रविवार था, सब बैठे थे, अचानक फ़ोन की घंटी बजी। अनन्या ने लपक कर फ़ोन उठाया। अरे मौसी कैसी है? मम्मी अभी रसोई में व्यस्त हैं, कोई खास काम था क्या, उसने बहाना बनाते हुए फ़ोन रख दी। मम्मी ने उसे गुस्से से घूरा, पर पापा हल्के से मुस्कुरा दिए। एक दिन मम्मी का जन्मदिन आया। पापा ने शाम को होटल में डिनर का कार्यक्रम रखा सबके लिए। तय हुआ कि शाम को घर पर केक काटकर रात को होटल चलेंगे। केक काटने के बाद शाम को जाने का समय हो रहा था। पापा
सबको जल्दी से तैयार होने के लिए कह रहे थे। मम्मी, मेरे पेट में तेज़ दर्द हो रहा है, सुबह कैंटीन में खाने के कारण शायद ऐसा हुआ है, अनन्या ने कहराते हुए कहा। चलो बेटा, डॉक्टर को बताते हैं, पापा ने चिंतित होकर कहा। नहीं पापा, पेन किलर ले लेती हूँ, आप और मम्मी डिनर पर चले जाओ, छोटू है ना मेरा ध्यान रखने के लिए, उसने दर्द का नाटक करते हुए कहा। मम्मी पापा उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, पर उसने अपनी कसम देकर दोनों को भेजा। वे अनमन से गए, होटल पहुंचकर फ़ोन किया, बेटा तबीयत कैसी है? जवाब में अनन्या और छोटू जोर जोर से हंसने लगे। वे समझ गए कि बच्चों ने उन्हें अकेले भेजने के लिए ये सब नाटक किया है। धीरे धीरे आपस में खुल गए। दोनों वर्षों के बाद अकेले होटल में गए थे। शादी के समय की बात, पुरानी यादें ताज़ा हो उठी। कुछ दिनों बाद सुबह बाथरूम में पापा के पास फ़ोन आया। हाँ हूँ कर रहे थे, सामने जैसे कोई महिला गुस्से में बोल रही थी। पापा ने सॉरी कहते हुए जल्दबाजी से फ़ोन रख दिया। जब पापा बाथरूम से बाहर आए तो अनन्या ने भावुक स्वर में कहा, थैंक यू पापा। पापा ने अनन्या को प्यार से गले से लगाते हुए कहा, मेरी समझदार बेटी, कितनी बड़ी हो गई है, तुम मेरी समझदार बेटी हो। तो दोस्तों, ये थी एक समझदार बेटी की कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी कहानी। वीडियो अच्छे लग से लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।